नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर चैनल वी एंड गार्डनर में नई वीडियो के साथ। फरवरी 5, 2023 है, तो आज हम जो है जो बचे हुए नींबू हैं निकाल रहे हैं बगीचे से। तो कुछ नींबू हमारे पास इस तरीके से हैं, मतलब नॉर्मल साइज से, थोड़ा छोटा, जो सर्दी की वजह से होते हैं। तो हम इन नींबुओं का रस निकाल रहे हैं मशीन से, और जब भी आपको ज़रूरत होगी आप बेझिझक कमेंट कीजिए, तहसील कोटली डिस्ट्रिक्ट मंडी में आपको जो है मिल जाएंगे। और नींबू, एक और बात, पूरा सीजन साल में जब मर्जी हो आप कमेंट कीजिए, आपको मिल जाएंगे। और जो साथी बागवानी से जुड़े हैं तो उनके लिए एक ऑफर ये है कि आप मेरे से जो भी मटेरियल चाहिए, जो भी, जो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, पलम चाहिए आपको, मौसमी चाहिए, खुमानी चाहिए, अमरूद चाहिए, या फिर सेब चाहिए, तरडी चाहिए, द्रेगल चाहिए, उनके लिए ऑफर है कि अगर आपके पास ऐसी चीज है जो आपने खुद उगाई है और ऑर्गेनिक है, तो चीजों के बदले में जो है चीज आपको मिल जाएगी, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। बाकी नींबू आपको जब चाहिए एक सही और उचित मूल्य में आपको दिया जाएगा। अगर आज की डेट में चाहिए तो 45 रुपये में आपको मिल जाएगा तहसील कोटली में, और नींबू के रस की बोतल भी आपको मिल जाएगी। अगर आपकी डिमांड जिला मंडी में है तो मिनिमम ऑर्डर तकरीबन 10 बोतल का होना चाहिए, जो जिला मंडी है वहाँ पर भी उपलब्ध करवाई जाएगी, और कांच की बोतलों में। तो निकालते हैं, तो साथ में परिवार वाले भी लगे हैं, तो इस तरीके से काट रहे हैं। ये गन्ने की मशीन, जो रोलर है इसको हमने ढीला कर दिया है ताकि नींबुओं के साथ जो है उनका कड़वाहटपन जो है साथ में ना जाए, और थोड़ा सा हमने इन नींबुओं को सूखने दिया है जिससे जो है रस पूरा निकल सके और कड़वाहट भी ना आए। ठीक है, तो इस तरीके से इनको काटा जा रहा है। तो थोड़ा सा नमक डाल दिया हमने, इससे ये होगा कि कड़वाहट नहीं होगी, आपके जो रस होगा वो आपका वैसा के वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर और रस आपका नीचे, तो तेजी से जो है ये रस जो है हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए आप, इसको हम बाल्टी में पंद्रह बीस केजी की होगी है, तो उसे रस निकाला है इस बाल्टी में इस तरीके से, और ये मेरा लास्ट, तो इस तरीके से ये निकल गया, और जो छिलके हैं वो बिल्कुल रस इससे निकल गया है। इस तरीके से देखिए, अब जो रस है वो फिल्टर हो रहा है। उसके बाद इसको शीशे के जार में रखेंगे, अंदर से ये मशीन इस तरीके से है, उसके बाद सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मशीनें काफ़ी लंबे समय तक चले, आपका साथ दे, तो 3 रोल सिस्टम है। गन्ना भी हम इसी से निकालते हैं अपने पीने के लिए। सफाई हो गई, उसके बाद हम इसको दोबारा से क्लोज कर देंगे। शुगर केन मशीन थी वैसे ये, तो ढीले करने पड़ते हैं हमें इसके रोल, उसके बाद जो है काम चल पड़ता है।